जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आप अपने परिवार एकलव राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे हैं कि हो चुका है आगज लड़का ये बदलने की तैयारी है, कि हो चुका है आगज लड़का ये बदलने की तैयारी है, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। जो बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, जीत उन्हीं की होने वाली है, वही अच्छे नंबर लेकर आएंगे, और जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो भी पास हो जाएंगे, क्योंकि वो राम सर की क्लास देख रहे हैं इसलिए। ठीक है, नंबर अच्छे नहीं आएंगे वो बात अलग है, लेकिन पास जरूर हो जाए। देखो, तो आज मुझे क्या करना है, 9.3 की डेमो क्लास को आज मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। और डेमो क्लास का मतलब होता है कि एक्सरसाइज, जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं, उससे पहले एक कैप्सूल रहता है। डेमो क्लास का मतलब है कैप्सूल रहता है, जो अंदर से आपको ये बताता है कि जो आप एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हो, जो आप एक्सरसाइज कंप्लीट करने जा रहे हो, उसमें वास्तव में एक्सरसाइज में है क्या। आप लोग सब क्या करते हो, प्रश्नावली पहुंच जाते हो। प्रश्नावली से पहले हमें जो प्रश्नावली पढ़नी है उसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है, उसके बारे में समझना पड़ता है, इसमें कौन से फॉर्मूले लगेंगे और इसके सवाल किस प्रकार के हैं, हमें क्या लगाना है। ठीक है, इस तरह की हमें अपनी सोच रखनी पड़ती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रश्नावली में पहुंच जाते हैं, तो जिस वजह से आपको समस्याएं आती हैं। तो इसीलिए भैया आपको समस्या नहीं होने देगा, इसीलिए आपको डेमो क्लास लेकर आया है कैप्सूल की तरह, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, कॉन्फिडेंस आएगा ना आपको, कि अरे सर एक्सरसाइज इतना आसान था, बस इतने सारे क्वेश्चन है, फिर आपको लगे यार सर ये तो बहुत सारा। और आज की क्लास अगर आपने समझ ली ना, तो त्रिकोणमिति में आपके अच्छे पकड़ हो जाएगी, इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज बचेगी 9.4, फिर आपका कंप्लीट। उसके बाद अपनी बचेगी हाइट एंड डिस्टेंस, उसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा आपको, वो भी फिनिश हो जाए, आपके 12 नंबर त्रिकोणमिति कंप्लीट हो गया। आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आप मुझे सेंड कर सकते हैं, और आप मुझसे पूछ सकते हैं सर अभी बताइए क्वेश्चन कैसे होगा, उसी गारंटी हम लेते हैं, हम आपको फिर किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको जो सिखा रहे हैं और जो आपको पढ़ा रहे हैं, जिस बुक से पढ़ा रहे हैं, पहले आप उस चीज को अच्छे से सीखिए, उसके बाद उसके एक बार और क्वेश्चन रिवीजन करिए, दो बार करिए, तीन बार करिए, फिर जाके किसी भी बुक के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि हमसे बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। जो आपका भैया आपको पढ़ा रहा है या समझा रहा है, वो चीजें आपको समझ में आती हैं या नहीं आती, आप एक बार मॉडल पेपर को देखें। ठीक है, जैसे कि जैसे आपका जो चैप्टर कंप्लीट होगा ना त्रिकोणमिति, जैसे ही मैं त्रिकोणमिति के क्वेश्चन और जो निर्देशांक ज्यामिति मैंने इससे पहले पढ़ाया है उसके मैं क्वेश्चनों को आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, फिर आप देखना कि आपको लगे भी इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, हमको तो बहुत लगता है बहुत कठिन, कठिन कुछ नहीं है, सब काम प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस करोगे हर चीज सरल लगने लगेगी। ठीक है, अपन पहले दौड़ना नहीं जानते थे ना, लेकिन दौड़ने का प्रयास किए तभी दौड़ पाए, ऐसे थोड़ी बन जाएंगे। ठीक है, अपने एक टारगेट फिक्स करो चीज़ें। देखो, सबसे पहले मैं इसके लिए बहुत अच्छे आपसे बहुत अच्छे समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप समझे तो, अगर आप समझे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, और अगर आप नहीं समझे तो फिर अल्लाह बचाए मेरी जान के रजिया, फेमस गाना है ये 90, और ये अपना 180 अंश, और ये अपना 270 अंश। अब मैं आपसे एक देखना चाहता हूँ, ये यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ी कंफ्यूजन होती है, हाँ दिख रहा है, तो आपको पता चल गया कि ये 0 अंश है, ये 90 अंश है, ये 180 अंश है, और ये 270 अंश है। ठीक, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ इतना समझना है जो मैं आपको बताऊं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे समझना है और कैसे हल करना। अभी आप क्वेश्चन को भूल जाइए, अभी तो सिर्फ आप इस पर ध्यान लगाइए कि भैया आपने चार खंभे से क्या बना दिए, जिनका ना कोई आकार है ना कुछ। मैंने कहा जीरो, जब कोई चीज जीरो अंश से स्टार्ट होकर एक पूरा राउंड कंप्लीट करती है तो वो 360 बन जाती है पूरी, तो उसे जीरो अंश से अपन क्या कह सकते हैं, 360। किसी भाई या बहन को कोई दिक्कत कि जो एक सर्कल पूरा हम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसे हम 360 डिग्री या जीरो डिग्री कह सकते हैं। अब जीरो डिग्री कैसे कह सकते हैं, जैसे कि जब कोई बिंदु अपने स्थान से चलकर वापस उसी स्थान पे आ जाता है, तो उसमें जो हमारा आपने पढ़ा हुआ क्या विस्थापन, जो मतलब विस्थापन होता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगर विस्थापन की नजर से देखोगे तो शून्य, और अगर दूरी की नजर से देखोगे तो 360 डिग्री है। ठीक है, बाकी आप सब समझना है। ठीक है, तो इसका जो इतना इतना हिस्सा होता है ये सिर्फ 90 डिग्री का होता है, एक एल, जैसे कि एल कहते हैं ना एल फॉर लव, तो आपका जो एल फॉर लव है ना वो 90 डिग्री पर तुला है, 90
जो आपका एल है ना आपके अंदर लव, तो वो आपका 90 डिग्री का होता है। तो एल एक एल ये 90 डिग्री का, एक एल ये 90 डिग्री का, एक एल ये 90 डिग्री का और एक एल ये 90 डिग्री का, तो 90-90 डिग्री के चार कोण होते हैं, 90-90-90-90 मिलकर 360 होते हैं। जो सीधी रेखा होती है वो 180 अंश की होती है, जो सीधी रेखा होती है वो 180 अंश की, जे वाली सीधी रेखा ये भी 180 अंश की होती है। 90 से आओ 90-90-180, 90-90-180, 90-90-100 कैसे भी देख लीजिए आप, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको इतनी चीजें समझ में आएंगी। अब देखो क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, मान रहते हैं, इसमें क्या रहते हैं मान, तो इसमें हम यहां से यहां को जा रहे हैं। देखो या तो हम जीरो से इधर को जाएंगे या इसको इधर को आएंगे, तो हम या तो देखो इसे लिखेंगे 90 माइनस के थीटा, समझते चलना सर, या तो हम लिखेंगे इसे 360 प्लस के थीटा। चीजें आप समझना, जो चीज आपको नहीं आएगी समझ में वही आपका बार बार बताएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं सिर्फ 360 को छोड़ देता हूँ, अभी घूम के आऊंगा फिर लिखूंगा आपको। तो अभी आप सिर्फ कितना ध्यान रखिए कि 90 माइनस के थीटा, अगर मुझे इतने क्षेत्र में कोई मान है इस वाले क्षेत्र का, ठीक है, और वो मुझे मान निकालना है, तो मैं उसे क्या करूंगा, 90 से कम ही लिखूंगा या नहीं लिखूंगा। आपने कहा भैया क्यों नहीं आप 90 से कम लिखोगे, अगर मुझे 90 से जीरो की तरफ आना है, मुझे 90 से जीरो डिग्री की तरफ आना, तो भैया मैं क्या करूंगा, 90 प्लस करूंगा या 90 माइनस करूंगा। सिर्फ आ कह रही भैया आप 90 माइनस करोगे, मैंने कहा वेरी गुड, 90 क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, तभी तो जीरो डिग्री पे आ जाएंगे, जब भी तो जीरो डिग्री पे आ पाएंगे, और अगर आप 90 प्लस कर दोगे फिर जीरो डिग्री पे कहां आपको आगे भागोगे, पीछे आने के लिए आपको माइनस करना है। इतना समझ में आ गए, फिर समझ, अगर आप मुझे 90 डिग्री से 180 डिग्री की तरफ जाना, 90 डिग्री से मुझे कहां जाना, 180 डिग्री की तरफ जाना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 90 प्लस के थीटा। किसी बच्चे को दिक्कत समस्या, कोई समस्या नहीं भाई, जब मुझे 90 से 0 की तरफ आना है तो 90 माइनस करना है, अगर मुझे 90 से 180 की तरफ जाना है तो मुझे 90 प्लस के थीटा करने। अगर मैं आपसे कहूं, अगर हम आपसे कहें कि अगर मुझे 180 से 90 की तरफ जाना हो तो क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, तो आपने कहा भैया जब मैं 180 से 90 की तरफ, मतलब ज्यादा से हम कम की तरफ आ रहे हैं, ज्यादा से कहां की तरफ आ रहे हैं, कम की तरफ आ रहा है, तो माइनस करेंगे यानी घटाएंगे। मैंने कहा वेरी गुड, तुम तो बिल्कुल सही बोले, फिर जब हम ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे तो 180 माइनस के थीटा, कोई दिक्कत। आपने कहा इतना अच्छा आप समझाते हो, तो मजा आ गया, मैंने कहा वेरी गुड, देखते हो। अब बात आती है कि मुझे 180, मैंने यहां तक, मैं यहां से 180 तक भी आ गए, 180 अंश या डिग्री तक आ गया, अब मैं 180 डिग्री से 90 तक भी चला गया, तो ये तो कंप्लीट हो गया मेरा डिब्बा। अब डिब्बा बचा ये वाला, तो जब मैं 180 अंश से 270 अंश तक जाऊंगा, तो आप बताओ 180 बड़े होते कि 270 बड़े होते, तो आपने कहा भैया 180 से 270 बड़ा होता है, मतलब 180 छोटा और 270 बड़ा होता है। तो मैंने कहा छोटे से हम बड़े की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, प्लस, तो क्या करते हैं, प्लस, तो हम इसे लिख सकते हैं 180 प्लस के थीटा। मैंने कहा वेरी गुड, अब मुझे क्या करना है, 270 से 180 अंश की तरफ जाना, अब मैं ज्यादा से कम की तरफ जा रहा हूं, तो बताओ क्या करूंगा मैं, तो आप कहोगे बड़ी संख्या में से घटाएंगे, तो बड़ी संख्या तो ये है, तो इधर लिखेंगे 270 माइनस के थीटा। किस किस को समझ में आ गया इतना, आपने कहा इतना सरल तो है, किसी को समझ में आ गया। अब मैंने कहा 270 से कहां की तरफ जाओगे, आपने कहा 360 की तरफ जाएंगे, मैंने कहा 270 बड़े होते कि 360, आपने कहा भैया अब तो हमें समझ में आ गया है कि 360 बड़ा है और 270 छोटा है, और 270 से 360 की तरफ जाएंगे तो जरूर जाहिर सी बात है हम प्लस करेंगे, हम सीख रहे हैं। मैंने कहा वेरी गुड, तो इसको क्या लिख सकेंगे, 270 प्लस के थीटा, वेरी गुड। अब मैंने कहा कि अब मुझे भाई 360 से इधर को आना, अभी तो मैं इधर से इधर को भागा, सिर्फ आने के मुझे वापस भी आना है, तो मैंने कहा 360 से 270 कम की तरफ आओगे तो क्या करोगे, आपने कहा माइनस करेंगे, तो हमने कहा इसको लिखेंगे 360 माइनस के थीटा, 360 माइनस के थीटा, इतना समझ में आ गया। अब मैंने कहा देखो, अब मैं जीरो अंश से तो जाऊंगा, जीरो अंश में तो कोई जोड़ नहीं सकता, अब मैं जीरो अंश में जोड़ूंगा गड़बड़ा जाएगा मामला, तो इसीलिए हम क्या करें 360 को लेते हैं। अब मैं भाई 90 से इधर को आया, मतलब 90 से जीरो तरफ, 90 से मैं कहां को आया, जीरो की तरफ आया, तो मैंने कहा लिया जीरो डिग्री, 90 माइनस के थीटा लिया। अगर आप देखो 360 से हमें ऊपर की तरफ जाना, मतलब 360 में और ऐड करना, तो क्या लिखेंगे 360 के प्लस के थीटा। अब शिल्पा कहने लगी भैया आप मेरे को उल्लू बना रहे हो, मैंने कहा बेटा मैं उल्लू क्यों बनाऊंगा आपको, कह रही ये बता भैया अभी तो आप कह रहे थे कि तीन जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाते हैं तो माइनस करते हैं, लेकिन आपने तो यहां पर प्लस कर दिया, ये कैसे किया आपने, ये तो आप गलत पढ़ा रहे हैं। नहीं बेटा गलत नहीं है, आप ये समझो कि 360 है तो 90 जोड़ोगे, 360 और 90 में जोड़ोगे कितने होंगे,
सैलरी कितनी होगी, हमें जोड़ना नहीं आता। मैंने कहा जोड़ना नहीं आता, फिर क्यों बोल रही हूँ 450 डिग्री होगा। अब 450 बड़े होते हैं कि 360 बड़े होते हैं? ये जो 90 डिग्री है ना, तो जीरो के लिए 90 डिग्री है। अगर 360 देखोगे तो फिर इधर कितना होगा, 450। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, 360 डिग्री से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। 360 से बड़े नहीं है, 360 के फिर गुणे में हम मान निकालते हैं। तो फिर ये कितना मानना पड़ेगा हमें, 450। और जब 450 मांगेंगे तो हमें पता है कि इसमें कितने जुड़ जा रहे हैं, 90 जुड़ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम 360 प्लस के थीटा है, 90 माइनस के थीटा लिख सकते हैं। तो मैंने आपको ये चारों चतुर्थांश समझा दिए। इसे हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे हम द्वितीय चतुर्थांश, इसे हम तृतीय चतुर्थांश, इसे हम चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश। इसे क्या कहेंगे बच्चा, प्रथम चतुर्थांश। इसे क्या कहेंगे, प्रथम चतुर्थांश। इसे हम कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश। इसे क्या कहेंगे हम, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे फिर, इसे चतुर्थ 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 चतुर्थान, ठीक है। कोई दिक्कत आपको, आपने में कोई दिक्कत नहीं, इतना आपको समझ में आ गया, आपने भी इतना तो बहुत अच्छे समझ में आ गया। प्रथम चतुर्थान, द्वितीय चतुर्थान, तृतीय चतुर्थान और चतुर्थ चतुर्थांश, कोई भी आपको इसमें दिक्कत नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ना समझने में ना किसी बात में, ठीक है। आपको कोई दिक्कत हुई आपने करने भी है, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। मैंने ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि अभी जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊं ना तो आपको इन्हीं सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब देखो क्या आता है, अब मैंने त्रिकोणमिति के आपको क्या क्या मान बताया, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, नहीं पहले क्रम में चलते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ये छह बताए थे मैंने आपको त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। छह बताए थे कि नहीं बताए थे आपसे, हाँ भैया छह बताए थे। अब देखो छह का मतलब, छह से समझते चलना, इसमें क्या रहेंगे, सभी मान धनात्मक रहेंगे। यहाँ पर इसमें प्रथम चतुर्थांश में क्या रहेंगे, सभी मान धनात्मक, सभी मान कैसे रहेंगे, धनात्मक, सभी मान कैसे रहेंगे, धनात्मक, सभी मान कैसे रहेंगे, धनात्मक, समझते चलना, ठीक है। अब द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे तो इसमें क्या रहेगा, साइन, साइन व कोसेक, साइन व कोसेक के मान धनात्मक बा शेष ऋणात्मक, बा शेष ऋणात्मक। देखो जो समझेगा उसी को समझ में आएगा, बाकी तो पप्पू को कुछ समझ में नहीं आना है, आप सिर्फ समझते चलो मैं क्या कह रहा हूँ। इसमें क्या रहेगा हमारा, इसमें साइन और कोसेक हो गया, इस वाले डिब्बे में हमारा रहेगा टेन, टेन व कॉट के मान धनात्मक और शेष ऋणात्मक। कोई दिक्कत आपने हो गया, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा, इसमें रहेगा कॉस व सेक के मान धनात्मक व शेष ऋणात्मक, शेष ऋणात्मक। अब आप कहोगे शेष ऋणात्मक का मतलब क्या, भैया मैंने आपको छह बताए थे, मैंने आपको छह बताए थे, साइन, साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट, छह बताए थे। तो छह में से इसमें मतलब छह सभी के मान कैसे रहेंगे, धनात्मक। अब धनात्मक कैसे रहेंगे, जैसे मैं कहूं साइन 90 माइनस थीटा या साइन 360 प्लस थीटा, तो ये आपको देखना किस चतुर्थांश में आएगा, फिर उसके अनुसार आपको मान। इतना आपको समझ में आ गया, नहीं आओ तो कह देना हाँ आ गया सर समझ में, ठीक है। अब ये यहाँ पर नोट करके यहाँ पे लोगों के नोट करके आपको क्या लिखाना चाहता था, चलो उसको छोड़ो भी, क्या करते हैं उसको, क्या था? दिमाग से निकल गया, मैं एक अच्छी चीज आपको नोट कराने वाला था वो माइंड से निकल गया। चलो देख लो, अगर अगर 180 प्लस या माइनस थीटा होगा तो मान नहीं बदलेंगे। देखते हैं, लाइट तो नहीं पड़ रही है यहाँ पे, थोड़ी में देखने लगी, हाँ नहीं पड़ रही लाइट, वेरी गुड। चलो देखो
एक ही बात होगी। तो दूसरी बात क्या करनी है, 360 360 माइनस 360 प्लस या माइनस थीटा होगा तो 180 प्लस माइनस थीटा होगा तो मान नहीं बदलेंगे, मतलब मान का मतलब जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो नहीं बदलेंगे, यानी 180 प्लस माइनस थीटा होगा तो मान नहीं बदलेंगे और 360 प्लस माइनस थीटा होगा तो मान नहीं बदलेंगे, मान नहीं बदलेंगे से अच्छा आप लिख लो क्या होगा तो त्रिकोणमिति अनुपात नहीं बदलेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात नहीं बदलेंगे दोनों के लिए हो गया जाए, इन दोनों के लिए यही लाइन होगी, सेम यही लाइन होगी कि अगर 180 प्लस माइनस थीटा हो या 360 प्लस माइनस थीटा हो तो त्रिकोणमिति अनुपात नहीं बदलेगा, बदलेगा नहीं। आपको आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, एक मिनट रुक जाओ, बस आपको मजा आने वाला है, ठीक है मुझे लिखा ले। अगर n का मान विषम है तो बदलेगा और सम है तो नहीं बदलेगा, ठीक है इतना। देखो अब आपको इतनी चीज समझ में आई कि नहीं, आपको थोड़ा सा बोर तो नहीं लग रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो एक ही क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा, बस इतनी चीज अगर मैंने जो आपको बोर्ड पर लिखी है, अगर ये सब चीजें आपको अगर समझ में आ गई तो समझ लो मजा आ गया आपको, और अगर इतनी चीज समझ में नहीं आई तो मुझे फिर से बताना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा, देखो सबसे पहले पॉइंट यहां से देखते हैं, जैसे कि मैंने सबसे पहले ना लिखी थी जो प्रथम चतुर्थांश, जो द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, जो चतुर्थ चतुर्थांश, इतना आपको समझ में आ गया था, ठीक है। मैंने कहा सभी मान धनात्मक होते हैं, जो त्रिकोणमिति के मान होते हैं sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, cos थीटा, sec थीटा, तो ये मान क्या रहते हैं, धनात्मक रहते हैं। जब भी 90 माइनस थीटा करोगे तो कोई भी मान तुम माइनस में नहीं ले सकते, सभी के आंसर प्लस में आएंगे, क्या में आएंगे प्लस में। अगर 360 प्लस थीटा भी करोगे तो सभी के मान किस में आएंगे भैया, प्लस में आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आप समझ गया हो तो हम सब करें, ठीक है। फिर मैंने कहा द्वितीय चतुर्थांश, इसमें साइन व कोसेक के मान धनात्मक व शेष ऋणात्मक, अगर मैं 90 प्लस के थीटा या 180 माइनस के थीटा करता हूं, साइन व कोसेक के तो मान कैसे रहेंगे, धनात्मक, व शेष कैसे रहेंगे, ऋणात्मक। अगर मैं 180 प्लस के थीटा और 270 माइनस थीटा तो ये तृतीय चतुर्थांश में आते, इसमें क्या होगा, टेन व कोट के मान धनात्मक और शेष क्या रहेंगे, ऋणात्मक, मतलब टेन और कोट का मान कैसा रहेगा मेरा, धनात्मक बदलेगा, बदलेगा तो धनात्मक बदलेगा, अन्यथा नहीं बदलेगा तो सेम बदलेगा, तो धनात्मक बदलेगा, मैं बता दे रहा हूं। अगर 270 प्लस के थीटा और 360 माइनस के थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में आता है, इसमें कोस व सेक के मान धनात्मक, शेष क्या रहते हैं, ऋणात्मक, थोड़ी बुद्धि को खोलना, ठीक है। अब मैंने लिखा कि 180 प्लस माइनस के थीटा होगा तो त्रिकोणमिति अनुपात नहीं बदलेंगे, जैसे कि अगर आप साइन 180 प्लस के थीटा लिखते हो तो वो साइन में ही बदलेगा, अगर आप कॉस 180 माइनस के थीटा लिखते हो तो वो कॉस में ही बदलेगा, कॉस का ना साइन होगा ना साइन का कॉस होगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। जैसे कि जैसे एग्जाम्पल उदाहरण मैं लिख दूं, जैसे साइन 180 प्लस के थीटा, तो 180 प्लस के थीटा माइनस साइन थीटा में चेंज हुआ, ठीक है, और साइन 180 माइनस के थीटा तो जे साइन थीटा में चेंज हुआ, ये कहने का मतलब है मेरा। अब इसको कुछ समझे आप, देखो जैसे कि मैं लिखा साइन 180 प्लस के थीटा तो ये साइन में बदला, किसे बदला बेटा, साइन में, लेकिन ये माइनस क्यों हुआ, अब आप इधर आइए। अब मैंने कहा 180 प्लस के थीटा, तो 180 प्लस के थीटा किस चतुर्थांश में आ रहा, तृतीय चतुर्थांश में आ रहा, ठीक है। इसमें मैंने क्या कहा, टेन व कॉट के मान धनात्मक होंगे, सिर्फ टेन और कॉट का मान धनात्मक होगा और शेष क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। सॉरी आप अपने कहा ठीक समझ गए, अब ऐसे ही 360 यहाँ पर 360 लिख देंगे तो वो गोभी क्या नहीं करेंगे, उसी प्रकार नहीं बदलेंगे, बदलते कम है उनको देख लो। जैसे कि मैं साइन के ऐसे मान लो, जैसे कि इसको बताता हूँ, जैसे कि इस वाले को एग्जांपल देता हूँ, जैसे लिखा साइन 90 माइनस के थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या बदलेगा, कॉस थीटा में, कैसे बदल जाएगा,
कॉस थीटा। अगर मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा तो काय बदल जाएगा कॉस थीटा में, क्यों बदला, क्योंकि ये 90 है, ये विषम संख्या है। जैसे मैंने कहा था कि अगर एन एक मान विषम है तो 90 क्या होता है विषम, 180 क्या होता है सम, विषम है तो बदलेगा, अगर एन का मान विषम है तो बदलेगा और सम है तो नहीं बदलेगा। अगर विषम था, यहाँ पर विषम था इसीलिए साइन का कोस में बदल गया, और अगर सम है, सम मतलब 180 क्या होता है सम होता है, तो सम है तो नहीं बदलेगा। बस ऐसे ही मेरा बताने का मतलब था और कुछ मतलब नहीं था, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, अगर आपको समझ में नहीं आई तो मुझे समझाएं मुझे समझा है, मुझसे समझने का प्रयास करें कि भैया वास्तव में चीजें समझ में आ रही कुछ नहीं है। अब आपके क्वेश्चन इतने सरल हो गए, इतने सरल हो गए कि आपको ही मुझसे मान पूछ लो। आप कहते हो कि भैया हमें मान बताओ, जैसे कि मान आपको जानना है 270 माइनस थीटा, तो आपने लिखा 200, जैसे लिखा आपने साइन 270 प्लस के 45 अंश, या आपने लिख दिया 270 माइनस के 45, ठीक है। तो ऐसे आपको जे लिखा सवाल आपका, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि कितना लिखा 270 माइनस 45, मतलब थीटा मान लो 270 माइनस थीटा लिखा, तो अब आप देखो 270 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आता है। आपने कहा भैया ये आता है तृतीय चतुर्थांश में, किसमें आता है तृतीय चतुर्थांश में, तो मैंने कहा तृतीय चतुर्थांश मुझे याद आना चाहिए कि इसमें मेरा टेन और कॉट के मान कैसे हो धनात्मक होते हैं, ठीक है। मैंने कहा इधर टेन लिखा है नहीं, तो आंसर कहां में आना ऋणात्मक आना, पहली बार क्लियर होगी। फिर मैंने कहा आपसे कि ये देखो जो ये संख्या लिखी है n मानते हैं ये सम है कि विषम है, आपने कहा भैया ये संख्या विषम है, तो मैंने कहा इसका मतलब संख्या विषम है तो ये चेंज होगी। अब चेंज किस में होगी, तो आपको माइनस के कॉस 45 अंश, मतलब थीटा का मान 45 किस में बदले कॉस 45 अंश, तो कॉस 45 अंश का मान क्या होता है 1/√2। जी आपका आंसर हो गया, ऐसे करने हैं आपको क्वेश्चन, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस आपको ये सब आपको बस इतना जो मैंने बोर्ड पर लगा बेटा, अगर ये बोर्ड वाला आपको समझ में आ गया ना तो 9.3 का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आप हल ना कर पाओ, ये आपका भाई कह रहा है आपसे, आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना हल कर पाए, आपको अगर ये चीज समझ में आ गई तो। अब देखो अब जी आप कह रहे भैया फिर जब आपने 180 और 360 लिख दिया था तो इसे लिखने की क्या जरूरत थी, मैंने कहा बेटा इसका जरूरत पड़ेगी कैसे, तो आपने कहा भैया कैसे जरूरत पड़ेगी, मैंने कहा देखो जैसे कि अगर मैंने बात की कि इस क्वेश्चन आपका आ गया कि साइन 765 अंश का मान बताओ, क्वेश्चन आपका ये आ गया, और ये तो मैंने कमी संख्या लिखी, हजारों में भी संख्या आती है 1225 1375 ऐसे आपसे लिख के आएगी, तो आपसे कहा कि साइन 765 अंश का मान बताओ, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे हम 360 के फॉर्म में तोड़ना है, 360 का मतलब होता है 360 के गुणज के रूप में लिखना है, 360 के गुणज के रूप में लिखना है। तो मैंने कहा मुझे मतलब 360 से मतलब डबल चलना है, मतलब डबल का मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि 765 किया, तो मुझे पता 36 दूनी कितने होते 72 होते हैं, 36 दूनी कितने होते हैं 72 होते हैं, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा साइन 2/360। तो भैया मैंने कहा 2/360 36 दूनी 72 मतलब 720 हो गया, अब मैंने कहा 720 तो ये हो गए, अब मैं इसमें कितना और जोड़ूंगी 65 हो गया, तो मैंने कहा 45 कितने 45, तो आप लिखोगे 45। अब आपको देखना है कि जे लिखा 360 कितना लिखा बेटा 360, तो 360 क्या होता है सम, 360 क्या होता है सम, तो अब आपको देखना है कि 360 प्लस के थीटा, अब 360 प्लस के थीटा किस चतुर्थांश में आता है प्रथम चतुर्थांश में आता है, और इसमें सभी मान कैसे होते हैं धनात्मक, क्या होते हैं धनात्मक, कैसे होते हैं धनात्मक, और मैं 360 प्लस थीटा स्वयं में चेंज होता है, तो किसमें चेंज होगा स्वयं में, और प्लस में रहेगा साइन 45 अंश, साइन 45 अंश का ए बटे अंडर रूट के 2 आंसर आ गया। लीजिए कोई दिक्कत हुई आपको, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं हुई भैया, मैं कोई दिक्कत हुई नहीं। अब एक शिल्पा कहने लगी भैया अगर हम माइनस में करें तो, मैंने कहा बेटा माइनस में तो करोगे तो, लेकिन इसको देखो तो पहले कि 360 बना, अगर आप करो 36 किया 108, मतलब 1080 में से आपको वो संख्या घटानी पड़ेगी कि कितने 765 करो, गड़बड़ाएगा ना सवाल, फिर गड़बड़ाएगा नहीं आपका सवाल, फिर आपको इतना लिखना पड़ेगा फिर आपकी बात बन जाएगी। असल पर नहीं भैया हमें बताओ, मैंने कहा देखो बेटा आप कह रही मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो आपको इसका 3 बार गुणा करना पड़ेगा 1080 आएगा, अब 1080 में से आप कितने 765 घटाओगे तो आपको पता चल जाएगा 5 और 1 और इधर 200, तो 215 अंश का मान निकालना पड़ेगा, फिर कहां से निकालोगे आप बताओ बेटा,
फिर कैसे निकालोगे? फिर आपसे निकलेगा 215 अंश का, फिर इसे तोड़ोगे आप, घटाएगा, सही है घटाएगा, सही 180 होती ना, 36 कम 36, 36 72, 36 किया 108, तो 180 हो रहा है, 180 में से माइनस कितने करने पड़ेंगे 765, तब पता चलेगा कि 215 अंश हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रखना पड़ेगा 215 अंश, 215 अंश का मान निकाल लोगे। अब शिल्पा के नहीं भैया हम पे नहीं निकलेगा, मैंने कहा ना निकलेगा फिर, ना निकलेगा फिर का मतलब क्या हो रहा, 20 2 60, समझ रहे हो ना कहने का मतलब क्या है? इसलिए हमें ये देखना है कि हम इसके आसपास पहुंचना है, कैसे भी करके, चाहे 360 प्लस करना पड़े चाहे 360 माइनस करना पड़े, ठीक है, उसके पास पहुंचेंगे फिर हम क्या निकालेंगे, इसके मान निकालेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास बच्चा आपकी यही समाप्त होती है, और अब आपके इसकी डेमो तो कंप्लीट होगी, अब इसके हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन हल कराएंगे, क्वेश्चन आप देखना गर्दा ना उड़ा दे तो मेरा नाम प्रारंभ करने, ठीक है। तो आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इन सबको अच्छे से याद करना, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ कौन किस चतुर्थांश में आता है, और किसमें किसके मान धनात्मक होते हैं और किसके ऋणात्मक होते हैं, सब याद होना चाहिए आपको उंगलियों पर, ठीक है, चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।